friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning platform for UPSC Civil Services Preparation. और स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन UPSC चैनल UPSC 101 पर. तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स. कैसे हैं सभी लोग? सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस हिस्ट्री क्लासेस में, जहां पर हम हर दिन आपके साथ डिस्कस करते हैं मंडे टू फ्राइडे डियर फ्रेंड, एवरी वीक 8 PM मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री को एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. देखो, इवेंट्स वही हैं, सूचनाएं भी वही हैं, तथ्य भी वही हैं, बट देखिए मसाला कुछ तो भी नया है दोस्तों, ठीक है. और हम एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनके थ्रू आप लिंकेजेस डेवलप कर सकें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, और इस एग्ज़ाम के हिसाब से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बेहतर तरीके से क्या कर सकें, अप्रोच कर सकें. देखिए, कोशिश की जा रही है और मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ तक अभी तक जो हमारी जर्नी रही है उसमें थोड़ा बहुत मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूँ आपको ये समझाने में कि कैसे अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों पर अपना प्रभाव जमाया किसने, अंग्रेजों ने, कैसे यूरोपियन राइवलरी को उन्होंने ख़त्म किया और जो सक्सेसर स्टेट्स हैं कैसे उन्हें अपने प्रभाव में लाया. बंगाल की बात हुई, अवध की बात हुई, कार्नेटिक की बात हुई, निज़ाम की बात हुई, हैदर अली, टीपू सुल्तान, माइटी मराठास, रंजीत सिंह के बारे में बात होगी, और अफगानिस्तान तक हमने देखा ही कैसे अंग्रेज चीज़ों को अपने प्रभाव में ला रहे हैं. देखिए यहाँ तक चीज़ें अगर यार दोस्तों समझ में आई है तो एक बार सभी लोग बता दो, और मुझे पता है कि यार 2 दिन के बाद एक क्लास हो रही है तो पुराना वाला सब कुछ भूल तो नहीं गए दोस्तों सभी लोग. हेमंत कुमार, मिनी सिंह, नंदिनी, रंजन बोरा जी, मिहिर सोनी, यार पुराना याद है या सब लोग भूल गए? हम प्रिया कैसे हैं सभी को, आकृति गुप्ता सभी को, सिराज भाई के बारे में देखो यार सबके बारे में हमने बात की, और जहां तक अभी तक डिस्कस किया मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डाउट होना चाहिए. ज्योति जी बोल रही है सर आई एम टेकिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑन ऐप. अच्छी बात है ज्योति. यहां तक कोई डाउट नहीं डियर फ्रेंड्स? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, सब कुछ याद है यहां तक? ऑलराइट. तो ठीक है, अब इस जर्नी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग आ गए, और आज बात होगी गवर्नर जनरल और वाइस रॉयस के बारे में. पहला भाग है दोस्तों, और मेरे पास देखिए दो चॉइसेस थी, मेरे पास दो विकल्प थे. पहले मैं आपको ब्रिटिश शासन से तहत जितने भी एक्ट रहे, जितने भी अधिनियम रहे, उन्हें पढ़ाता, या पहले गवर्नर जनरल के बारे में बताता. दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. देखिए ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन संबंधी क्या एक्ट लाए जा रहे हैं, क्या रेगुलेशन लाए जा रहे हैं, देखिए उनके बारे में बात, और इन गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात, ये दोनों पैरेलल में चल रहे हैं. मैंने आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है डियर फ्रेंड, दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहले हम 1772 से लेकर 1858 तक के गवर्नर जनरल भी पढ़ेंगे, और जो अधिनियम लाए गए हैं, जो एक्ट लाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे. फिर 1858 ऑनवर्ड्स 1947, जिसको हम मॉडर्न इंडिया या इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बोले थे, उसमें जो अधिनियम लाए गए और उस समय जो गवर्नर जनरल रहे जिन्हें वायसराय के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे एक बेहतर समझ के लिए. तो पहले पार्ट में डियर फ्रेंड हम 1857 तक का टाइम पीरियड आपके साथ कवर कर रहे हैं. ब्रिटिश कंपनी का जो साम्राज्य रहा, ये जो गवर्नर जनरल रहे, ये जो अधिनियम आ रहे हैं, प्री मॉडर्न इंडिया, या ये वो टाइम है जब ब्रिटिशर्स अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं. एंड 1858 ऑनवर्ड्स, 1857 का जो रिवॉल्ट है उसके बाद जो ब्रिटिश अधिनियम है उनकी सोच क्या है, उसके बाद के जो वायसराय और गवर्नर जनरल हैं उनकी सोच क्या है, उसके बाद की जो हमारी नेशनलिस्ट स्ट्रगल है वो क्या है, वो एक अलग एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे. तो ये डिफ्रेंशिएशन आप लोग समझ पा रहे हैं तो एक बार जल्दी से हाँ बोल दो. ये आपकी बेहतरी के लिए दोस्तों. प्रतीक जी थैंक यू. यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां तक चीज समझ पा रहे हैं? नहीं, ऑल राइट डियर फ्रेंड, ठीक है. तो आई होप कि देखिए यहां तक चीज समझ पा रहे हैं. अब इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. गवर्नर जनरल और जो वायसराय है, वायसराय 1858 ऑनवर्ड्स, गवर्नर जनरल 1858 तक, 1772 से ये जर्नी स्टार्ट करेंगे. एक पार्ट में इसे समझ करेंगे डियर फ्रेंड,
और 1858 तक के जो गवर्नर जनरल हैं उनको दो पार्ट में हम कवर करेंगे। 1858 की बात हम आगे करेंगे, पहले वो सारे एक्ट जो 1773 से लेकर 1858 तक हैं उन्हें डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ज़्यादा सिस्टमेटिकली आप समझ पाओगे कि क्या ये जो अलग अलग फेजेस हैं ब्रिटिश शासन का जो सोच है, जो उनका ओरिएंटेशन है, क्या अलग है या एक जैसा है। आज बात करेंगे इन गवर्नर जनरल्स के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, टिल लॉर्ड डलहौजी, यहाँ तक हम आपके साथ बात करेंगे पहले फेज में। देन हम बात करेंगे लॉर्ड केनिंग ऑनवर्ड्स, यहाँ तक समझ पा रहे हो। तो उसके पहले यार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, जो हर क्लास में मैं सबसे पहले बताता हूँ, और अपनी इस यूपीएससी की जर्नी में यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये मेरा एजुकेटर कोड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के दौरान, स्पेशल क्लासेस के दौरान, कॉम्बैट के दौरान, जगह जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड वायसराय। देखिए ये चार अलग अलग क्या हैं, ये चार अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं। जब ब्रिटिशर्स ने शुरू में अपनी तीन प्रेसिडेंसीज, हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि 17वीं शताब्दी के अंत तक तीन ऐसे प्रेसिडेंसीज अंग्रेज भारत में स्थापित कर चुके थे, और उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, उनका टाइम फ्रेम क्या था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि वो तीन प्रेसिडेंसीज किस ऑर्डर में अंग्रेजों ने बनाई थी, ये जल्दी से बता दो। फिर रॉबर्ट क्लाइव से हम क्या करते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और समझ में आएगा दोस्तों, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दो। ऑलराइट, पहले स्वाति तिवारी, पहले कैलकटा था, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, नहीं है बंगाल उड़ीसा कहाँ बता रहे हैं दोस्तों, वो प्रेसिडेंसीज का ऑर्डर बताइए, मद्रास, कैलकटा एंड बॉम्बे, नंदिनी बता रही है। सभी लोग यार जल्दी से ऑर्डर में बताओ, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकटा। अब यार इसी से समझ सकते हो, यार इसी से आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग कितना अलग, जो आप लोग ये बोलते हैं ना कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो मज़ा ये आंसर में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। देखिए आसान सा सवाल पूछा मैंने और उसी में आप लोग गड़बड़ा गए, मतलब मुझे लग रहा था कि आप लोग सोच कर नहीं आए थे कि कुछ पूछ लेंगे, आप लोग को लगा था कि आज भी कुछ कहानी वाली सुनाएंगे, और क्या आते ही मन इन्होंने सवाल पूछ लिया, ऐसा तो नहीं सोच रहे। तो ये ज़्यादातर लोगों ने सही बताया दोस्तों। ऑलराइट, भूलना नहीं है, देखा दोस्तों भूलना नहीं है। वेरी नाइस प्रतीक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। और अगर यही चीज़ें आपको देखो दूसरों से अलग करती हैं, मैं आपको बार बार यही डिस्कस करता हूँ कि देखो आप सब पढ़ रहे हो, सब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट इन आंसर्स के थ्रू आप समझ पाओगे कि देखो डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, पढ़ाया सेम जा रहा है, आप सभी टैलेंटेड हैं, बट जब आप इन आंसर्स को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि देखो यार समान ट्रीटमेंट मिल रहा है बट समान इफर्ट शायद नहीं हो रहा है दोस्तों, आप लोग की तरफ से इफर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए आंसर्स में ये अंतर आ रहे हैं। अब ठीक है, इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की, और देखो जो टाइम फ्रेम है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने पहले ही आपको साथ डिस्कस किया है, और देखिए ही वॉज वन ऑफ द गवर्नर ऑफ दीज प्रेसिडेंसीज, ये जो तीन प्रेसिडेंसीज हैं, पहले इन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकटा, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, उनके गवर्नर्स हुआ करते थे। रॉबर्ट क्लाइव वॉज वन सच गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि काफ़ी कैपेबल मिलिट्री लीडर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि आप अपॉर्चुनिटीज से जी चुराते हैं, कोई ऐसी संभावना बन जाती है, आप पीछे हो जाते हैं कि कोई और आगे चला जाए, बट ये वही व्यक्ति हैं डियर फ्रेंड कार्नेटिक वॉर के दौरान जिन्होंने खुद आगे बढ़ के बोला था कि एक चांस मुझे दो, और फिर उन्होंने कार्नेटिक वॉर के दौरान क्या किया था, हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया था। ही वॉज द पर्सन डियर फ्रेंड, ही वॉज द पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई या लड़ने से पहले ही उसका समाधान हो गया था, इसको लेकर हिस्टोरियन में काफी क्या होता है, डिबेट होता है। प्री प्लासी ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने आपके साथ बात की थी, मीर जाफर, जगत सेठ, दौलत राम, इन लोग के साथ मिलकर
एक कॉन्स्पिरेसी हैच की थी और बैटल ऑफ प्लासी में हराया था। किसे हराया था जल्दी से हेमंत कुमार बता दीजिए, यहां तक चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार बताओ दोस्तों। टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? वेरी नाइस। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि बैटल प्लासी में ये जो जीत रही, बैटल ऑफ प्लासी में जो जीत थी, ये शुरुआत थी बंगाल जो सबसे रिच प्रोविंस था किसका, मुगलों का। देखिए वो गिरफ्त में आ गया था किसके, अंग्रेजों के। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, तो रियल फाउंडर ऑफ व्हाट, रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने ड्यूएल गवर्नमेंट की क्या की थी, शुरुआत की थी बंगाल में, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत। द्वैत शासन क्या था अगर आप लोग को याद हो, निजामत फंक्शन, दीवानी फंक्शन, हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो देखिए ही वॉज गवर्नर ऑफ व्हाट, बंगाल, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, मिलिट्री लीडर, स्टार्टेड ड्यूएल गवर्नमेंट इन बंगाल एंड ही वॉज द पर्सन, डियर फ्रेंड, हु इज रिगार्डेड एज रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। गवर्नर जनरल की जो शुरुआत होती है दोस्तों, इनसे होती है, किनसे, वॉरेन हेस्टिंग्स से। रॉबर्ट क्लाइव वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब ये चेंज हो कैसे जा रहा है, मतलब ये किताबों में क्लियर नहीं होता दोस्तों, ये किताबों में क्लियर नहीं होता, बिलीव करिए किताबों में क्लियर नहीं होता। बस सीधे आप याद कर लेते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसीज के एक एक क्या होते थे, गवर्नर हुआ करते थे, डियर फ्रेंड, गवर्नर हुआ करते थे। बट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट किस बैकग्राउंड में पास किया गया, जब हम ये एक्ट पढ़ाएंगे आपको तो बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्या वो परिस्थितियां थी जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट को क्या किया गया था, पास किया गया था, कैसे कंपनी घाटे में जा रही थी, कंपनी को पैसों की जरूरत थी, कंपनी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला पैसे तो दे देंगे बट बदले में ये एक्ट ले जाओ और ये तुम्हारे कार्यकलापों को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुपरवाइजरी पावर दी गई थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर, ये हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कैसे गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल बन जा रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यहां तक चीजें समझ में आ रही दोस्तों, तो एक बार जल्दी से हां बोल दो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हाउ ही इज बिकमिंग गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल हाउ ही इज बिकमिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए ये प्रोसेस समझने की कोशिश करिए, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 में और इसके माध्यम से ये जो तीन गवर्नर्स हैं, बॉम्बे के, मद्रास के और कैलकटा के, कैलकटा वाला जो गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ड्यूएल गवर्नमेंट को समाप्त किया जाएगा। बंगाल विल बिकम फर्स्ट टेरिटरी ऑफ व्हाट, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट आप ये समझना कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम मैंने यहां पर क्यों यूज किया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज नॉट गवर्नर जनरल, ही वॉज गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, डियर फ्रेंड। तो गवर्नर ऑफ बंगाल हैज बीन डेजिग्नेटेड एज व्हाट, गवर्नर जनरल ऑफ व्हाट, बंगाल, थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। और उसका पर्पस क्या था, एक तरह से नकेल कसना कंपनी की जो प्रणाली थी, कंपनी जो व्यापार करने आई थी और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जिसका क्या हो रहा था, उद्भव हो रहा था, उसके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसी को हम रेगुलेटिंग एक्ट बोल रहे हैं। ये बात अगर समझ पा रहे हो तो एक बार जल्दी से हाँ बोल दो कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये डेजिग्नेशन तो मिल जा रहा है बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ये बोल रही है कि अब बंगाल में एक गवर्निंग काउंसिल होगी, गवर्निंग काउंसिल होगी और गवर्निंग काउंसिल के थोड़ा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल में एक होंगे वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल है, इन्हें अपॉइंट कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी।
बाकी चार मेंबर्स होंगे इस काउंसिल में जिन्हें अपॉइंट करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो मेजॉरिटी के द्वारा लिए जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैं अलग से डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट सिंस हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये बस बता रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बंगाल में गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई जिसके चार मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी, और गवर्नर जनरल किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कंपनी के मामलों में पार्लियामेंट का हस्तक्षेप हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों, पहले ये बता दो। यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं दोस्तों तो एक बार जल्दी से बता दो। टेलियर एवरीथिंग इज फाइन, सुप्रिया सिंह, मीट सोनी, मिनी नंदिता, देखिए सभी लोग, हेमंत कुमार, राहुल, यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इंटरफेरेंस हो रहा है डियर फ्रेंड, और अब जो डिसीजन लिए जाएंगे, डिसीजन विल बी टेकन ऑन बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी पे डिसीजन लिया जाना है। तो गवर्नर जनरल को इन चार में से कम दो लोगों का सपोर्ट चाहिए यदि कोई डिसीजन लेना है, तो इन चार में से दो लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नर जनरल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो एक तरह से संसद का हस्तक्षेप बढ़ रहा है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। ड्यूएल एडमिनिस्ट्रेशन कहां चल रहा था? ड्यूएल एडमिनिस्ट्रेशन कहां चल रहा था? रॉबर्ट क्लाइव के दौर से, बैटल ऑफ बक्सर के बाद दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी, हमने आपके साथ डिस्कस किया, सब याद करा रहा हूं। देखो यार फिर से इसे स्लाइड में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके साथ बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस किया था, उसके बाद इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, और पहली संधि के माध्यम से हमने आपके साथ डिस्कस किया था जो शाह आलम के साथ हुई थी, दीवानी फंक्शन मिल गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कंपनी को, और एक द्वैत शासन, दोहरे शासन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जिसमें हुआ क्या था, जो दीवानी फंक्शन है ये आ गया था किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और जो निजामत फंक्शन है ये था किसके पास? नवाब के पास। इसी को हम क्या बोल रहे थे? इसी को हम द्वैत शासन बोल रहे थे। और इस द्वैत शासन में कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था दोस्तों। इस द्वैत शासन को इंड किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और बंगाल बिकेम फर्स्ट टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला क्षेत्र बना बंगाल किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये बात समझ पा रहे हैं तो जल्दी से हाँ बोल दो। देखिए यार ये बात समझ पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं? यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं दोस्तों? रंजन बोरा, सैम पांडे, यहां तक कोई डाउट नहीं है? मेड सोनी, नंदिनी, यहां तक क्लियर है? सुनीता यादव, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ऑल राइट। तो ये ड्यूएल गवर्नमेंट को इन कराया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है जो भूलना नहीं। ड्यूएल गवर्नमेंट क्या है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमने बैटल ऑफ बक्सर के बाद उस द्वैत प्रणाली के बारे में बात की थी जिसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के पास था, निजामत एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के पास था, और देखिए वहां पर दिक्कतें हो रही थी। हमने रॉबर्ट स्टेट की बात की थी, लूट खसोट की बात की थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब ये मैं रिकॉल करा रहा हूं दोस्तों, आपको रिकॉल करा रहा हूं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी किसके टाइम पर? टाइम पीरियड क्या है? 1775 से 1782, एंड ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ वॉर, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। तो इनके समय पर हुई थी। ट्रीटी ऑफ सूरत किसके बीच में हुई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और किसके बीच में? रघुबा, हमने आपके साथ डिस्कस किया था, बालाजी बाजीराव के ब्रदर रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में हुआ था। इन्होंने इंटरफेयर किया था, और एक कारण रहा था किसका? ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो समाप्त हुई थी किसके थ्रू? ट्रीटी ऑफ सलाबाई। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को आप इस बात के लिए भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टू प्लेस ड्यूरिंग हिस टाइम, कैसे इन्होंने इंटरफेयर किया, कैसे इन्होंने मराठाओं को बोला कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते, उसके बाद कैसे मराठाओं को तीन जगहों पर इन्होंने हराया था, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की थी डियर फ्रेंड, वो आपके साथ ये थी, देखिए आगे जाकर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, ये भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, और जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की उन्हें सही करने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चार मेंबर की जगह तीन मेंबर कर दिए गए थे। इन एक्ट के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इन एक्ट पर एक डिटेल सेशन में ले आऊंगा सेपरेटली। अभी बात हो रही है किसकी, गवर्नर जनरल के बारे में, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्हीं के टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इन्हीं के टाइम पर पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें 1773 की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। एक चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था डियर फ्रेंड, वो था रोहेला वॉर, जिसकी वजह से इनका इम्पीचमेंट होगा कहां पर, इंग्लैंड में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के दौर की एक प्रमुख घटना रही है रोहेला वॉर, जहां पर रोहेलखंड ने मराठाओं से बचने के लिए एक ट्रीटी की थी किसके साथ, अवध के साथ। सो रोहेलखंड के जो राजा थे ये अवध के राजा के पास गए, नवाब के पास, कि सर जी मराठाओं से हमें अटैक की क्या है, डर है, तो जरूरत पड़ सकती है आपके सपोर्ट की। तो रोहेलखंड के शासक ने अवध के शासक से बोला कि ये जो मराठा हैं किसी की सुन नहीं रहे हैं, सब पर अटैक करते जा रहे हैं, तो हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। अवध के शासक ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, बट कुछ पैसा पानी लगेगा। बोले कितना, बोले 40 लाख रुपए। तो ये तय हो गया कि 40 लाख रुपए रोहेलास देंगे किसे, अवध को, इन द इवेंट ऑफ एनी अटैक फ्रॉम होम मराठास। और मराठा रोहेलखंड पर अटैक करते हैं, उसके पहले मराठा पेशवा माधवराव प्रथम की डेथ हो गई, तो मराठाओं ने अटैक किया नहीं, इन्होंने 40 लाख रुपए मांग लिए, अवध ने 40 लाख रुपए मांग लिए कि भैया प्रोटेक्शन के लिए तुमने बोला था, हमने सेना होना तैयार कर ली थी, खाना होना उनके लिए सब आ गया था, सब तैयार है, बंदूक बंदूक ठीक है, अब लड़ाई हुई या नहीं हुई, 40 लाख रुपए तो दो। इनका कहना है कि 40 लाख किस बात के, लड़ाई तो हुई ही नहीं, तो 40 लाख किस बात के, बोले अभी बताता हूँ। तो अवध ने कॉन्टैक्ट किया किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और समझाया किसे, वॉरेन हेस्टिंग्स को। और वॉरेन हेस्टिंग्स और अवध ने मिलकर अटैक कर दिया किसके ऊपर, रोहेलास के ऊपर। देखिए इस मुद्दे पर, इस रोहेला वॉर के लिए इम्पीच किया गया था किसे, वॉरेन हेस्टिंग्स को। जब ये 1785 में लंदन वापस जाते हैं, तो रोहेला वॉर वॉज वन मेन रीजन फॉर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट होम वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपको याद रखना है, ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं, यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो एक बार जल्दी से हाँ बोल दो। यहां तो कोई डाउट नहीं है, टेल यर एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो। तो देखो ये एक ऐसा एस्पेक्ट था, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और इसकी वजह से बाद में इम्पीच किया गया किसे, ऑल राइट डियर फ्रेंड। तो आई होप कि यार देखो ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं। हाँ देखिए, मराठास क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, ये हम सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रोहेला वार वाली बात देखिए, जिसकी वजह से इनको इम्पीच किया जाएगा, ये हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने सुधार किए थे, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इनके टाइम पर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है डियर फ्रेंड, ये आज का जैसा सुप्रीम कोर्ट है वैसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका पर्पस दूसरा है दोस्तों। हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि ये अपेलेट कोर्ट की तरह से काम नहीं कर रहा है, जैसे आप सोच रहे हैं कि पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसका पर्पस डिफरेंट था। जो आज की एट में सुप्रीम कोर्ट है, दैट वॉज डिफरेंट। ये बात हम आपके साथ पहले भी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग नहीं भूल सकते। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जा रही है विलियम जोन्स के साथ मिलकर। वाई ये बड़ा सवाल है। देखिए किताबों में से तो आप याद कर लेते हैं कि भैया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, मतलब आप इसे याद कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। इंडियन कल्चर को समझने के लिए, देखिए यदि आप किसी सभ्यता पर शासन करना चाहते हैं तो उनके कल्चर को समझकर ही आप उन पर क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। तब आपके शासन की लेजिटिमेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों या नहीं, यस और नो। देखिए यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं, वेरी नाइस नवीन ने बहुत बढ़िया बोला है। दिस मच यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। प्रथम जी यहां तक समझ पा रहे हैं, ऑलराइट डियर फ्रेंड्स। सो दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, अलोंग विथ
विलियम जोन्स टू स्टडी कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड पहली बार भागवत गीता का डियर फ्रेंड भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया जा रहा है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। देखिए ये फैक्ट है, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए आप भागवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मतलब आप इंडियंस को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप शासक वर्ग हैं, बिना जाने समझे आप शासन नहीं कर पाएंगे यदि लोगों की मान्यताओं परंपराओं और उनके वैल्यूज को नहीं समझे। तो देखिए शासक वर्ग को अगर शासन करना है तो जिन पर आप शासन कर रहे हैं उनके बारे में जानने की आपको जरूरत है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, भागवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, कुछ फैक्ट नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं? यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो एक बार जल्दी से हाँ बोल दो। टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? तो ये दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑलराइट डियर फ्रेंड, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी, गीता का अनुवाद, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंग्लो मराठा वॉर एंड रोहेला वॉर, जिसकी वजह से इनको बाद में क्या किया गया, इंपीच किया गया। इंपीचमेंट के और भी कारण थे, एक रेवेन्यू ऑफिशियल थे नंद कुमार, जब ये बंगाल के अधिकारी रहे होंगे तो नंद कुमार से इनका कुछ रहा होगा पंगा। बाद में जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए तो नंद कुमार को बोले अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ, फॉल्स केस में उन्हें फंसा दिया और जुडिशियरी के द्वारा उन्हें डेथ सेंटेंस दिला दिया गया। उस केस को जुडिशियल मर्डर ऑफ नंद कुमार बोला जाता है, और इनके इम्पीचमेंट का वो भी एक प्रमुख कारण था। नवाब अब अवध के साथ भी इनका कुछ विवाद चल रहा था, वो भी एक कारण था, ठीक है। तो बट मेन कारण ये था, रोहेला वॉर एंड नंद कुमार के साथ जो इनका कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसकी वजह से ही बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी इम्पीच। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो ही सर, उसी के साथ इम्पीच होने वाले भी पहले गवर्नर जनरल हैं। इम्पीच होने वाले मतलब इम्पीच हुए नहीं, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड। ये बात समझ पा रहे हैं? तो देखो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जब आप गवर्नर जनरल्स को पढ़ते हैं तो हम। प्रिया यू आर राइट, योगेश सैनी यहां तक समझ पा रहे हैं नहीं? ऑलराइट डियर फ्रेंड, ऑलराइट। तो यार देखो सभी लोग, देखिए सभी लोग जो क्लास को कर रहे हैं, जो पहली बार क्लास कर रहे हैं, सभी का देखो बहुत बहुत स्वागत है। हमने बात की किसके बारे में, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। और मुझे लगता है कि देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग्स, अगर गवर्नर जनरल की आप हिस्ट्री देखें तो कि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। अब बात करेंगे दोस्तों सर जॉन मैकफर्सन के बारे में, जो 1785 से 86 तक एक साल के लिए गवर्नर जनरल है। बट इनके टाइम पर कुछ खास नहीं हुआ है, इसलिए इनकी स्लाइड को मैंने खाली छोड़ दिया है। किताबों में तो इनके बारे में ही नहीं लिखा है, बट मैंने सोचा कि इतना सम्मान दे देते हैं कि बता दो इनके बारे में, मतलब बुक्स में तो इनका नाम भी नहीं है। देखिए इतिहास उन्हें ज़्यादा याद रखता है जिनकी लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है। बट सिंस हम इन गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ही वॉज द पर्सन डियर फ्रेंड जो एक साल के लिए गवर्नर जनरल रहते हैं, इतना सम्मान हमने इनको दिया है। ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों या नहीं? ऑलराइट डियर फ्रेंड, ऑलराइट। अब देखो बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। और इनके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो ये जो गवर्नर जनरल्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल में अधिनियम भी आ रहे हैं, उन एक्ट को, उन अधिनियम को तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट आवर मेन पर्पस इज कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें समझने के। तो कॉर्नवॉलिस साहब के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में बात हमने पहले भी की है। अब आप बोलेंगे सर जी कहाँ की है, तो कहाँ की है दोस्तों, तो देख लो, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में इनके बारे में बात की है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में इनके बारे में बात की थी। अब आप बोलेंगे सर जी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर अब हुई क्यों थी, यही याद नहीं है? तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी, जो 1784 में कंक्लूड हुई थी बाई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की एक शर्त थी कि अंग्रेजी सेना के जो सिपाही मैसूर ने कैप्चर कर लिए थे उन्हें रिलीज किया जाना है, उसका वॉयलेशन हुआ था। और ट्रैवनकोर के राजा एक दीवार बना रहे थे, दीवार बनाते बनाते उनकी दीवार कोचीन के अंदर चली गई थी, और कोचीन एक ट्रिब्यूटरी था मैसूर का, इससे टीपू नाराज हो गए थे। तो इन यहाँ पर देखिए ट्रैवनकोर होगा, इन दो रीजन की वजह से
इन दो रीजन की वजह से क्या हुआ था, देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी जिसमें टीपू को हार का सामना करना पड़ा था, और लिटरली हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम हुई थी, ट्रीटी ऑफ, देखिए ये हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, ट्रीटी ऑफ जो श्रीरंगापट्टनम हुई थी, उस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के तहत टीपू को एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में बहुत सारे पैसे मांगे किसने, अंग्रेजों ने 3 करोड़ रुपए मांगे, आधे पैसे ही दे पाए, आधे पैसों की गारंटी के रूप में इनके बेटों को अपने साथ लेके गए कौन, कॉर्नवालिस। देखिए ये काफी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी, इसके बारे में हमने पहले ही आपके साथ बात की है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इससे आप भूलो ना दोस्तों, दैट इट टुक प्लेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ होम लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बात समझ पा रहे हैं यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं दोस्तों, टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो? सुनीता पूछ रही है आपको कैसे पता होता है कि हमें क्या याद है क्या नहीं याद है, मतलब बस यही, मतलब आप लोग के कॉन्फिडेंस है और थोड़ा अपने एक्सपीरियंस है, यहां तक समझ पा रहे हैं दोस्तों? अब यार एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके लिए जाना जाता है किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जिस काम के लिए जाना जाता है, जो उनके हिसाब से बेस्ट है और हो सकता है कि वो वर्स्ट हो, ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कर रहे हैं कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है, और जिसके तहत एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कंपनी का जो शेयर ऑफ रेवेन्यू है, शेयर नहीं, शेयर, शेयर ऑफ रेवेन्यू जो हिस्सा है वो कॉन्स्टेंट हो जाए। वो क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कई बार किताबों में क्लियर नहीं होता है इसलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यवस्था है क्या। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर क्या था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर एक 5 ईयर सेटलमेंट लाया था किसने, वॉरेन हेस्टिंग से। और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर क्या होता था, कंपनी ये समझ रही थी कि भारत एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एक कृषि आधारित यहां पर अर्थव्यवस्था है, तो कृषि जो एक्टिविटी है उसमें किसानों के द्वारा जो लगान दिया जा रहा है, जो कर दिया जा रहा है, यही कंपनी का एक मेन क्या रहेगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहेगा। बहुत ज्यादा औद्योगिकरण तो था नहीं कि आप एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, ऐसा तो था नहीं, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है तो किसान जो उपज पैदा करेंगे उसी पैदावार का एक हिस्सा कैश में या काइंड में, यही कंपनी का क्या होगा, रेवेन्यू होगा। तो कंपनी ने क्या किया, इन्होंने लोगों को बुलाया और बिडिंग कराई। बिडिंग में लोगों ने बढ़ चढ़ कर बोला कि हाँ ठीक है 200 गांव के लिए हम इतना पैसा लाएंगे, बट वे दे नहीं पा रहे थे, दे नहीं पा रहे थे। जमींदार थे बट वो जमींदार पैसा दे नहीं पा रहे थे, बट कंपनी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर पहले 5 साल के लिए एग्रीमेंट किए गए, जब ये एग्रीमेंट फेल होने लगे तो 1 साल के लिए कंपनी ने क्या किया, एग्रीमेंट किया, पहले 5 साल के लिए फिर 1 साल के लिए। बट इन दोनों केसेस में क्या हो रहा था, जमींदार बोल तो रहे थे कि हम ये पैसा लाएंगे बट ला पा नहीं रहे थे। तो क्या किया इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर जो जमींदार होते थे उनके पास पुलिस फंक्शन भी होता था, जुडिशियल फंक्शन भी होता था और रेवेन्यू फंक्शन भी होता था। जमींदार मुगलों के टाइम पर भी थे, जमींदार वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर भी थे, और जमींदार कॉर्नवालिस के टाइम पर भी रहेंगे। तो भाइयों ये मत सोच लेना कि पहली बार जमींदार को क्रिएट किया जा रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं नहीं? सनसेट क्लॉज भी मैं बताऊंगा, सनसेट क्लॉज भी बताऊंगा। तो ये पहली बार जमींदार को क्रिएट किया जा रहा है ये मत सोच लीजिएगा, जमींदार थे बट बिडिंग के थ्रू बताते थे कि हम इतना पैसा लाएंगे। ये व्यवस्था थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, जहां पर जमींदारों के पास 3 फंक्शन होते थे, लोगों की पोलिसिंग करने का भी, जो कर कोई मामला हो गया तो निपटाने का भी, जुडिशियल फंक्शन भी, और रेवेन्यू फंक्शन तो था ही कि किसानों से पैसा लेते थे और उसका एक हिस्सा अंग्रेजों को देते थे। बट उसमें कोई कॉन्स्टेंसी नहीं थी, कॉन्स्टेंसी नहीं थी मतलब कोई जमींदार बोला कि भैया अब मिला ही नहीं तो ला नहीं पाए, कोई बोला कि हम ज्यादा लाए सर जी लीजिए, कोई कुछ नहीं ला पाया। तो कंपनी के खर्चे तो फिक्स थे बट आने वाला रेवेन्यू फिक्स नहीं था। तो व्हाट कॉर्नवालिस डिड, कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट जो लाया उसका मतलब क्या आइडिया था? पहला अंतर यह है, फर्स्ट अंतर यह है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिशियल्स को भेजेगी, ये ऑफिशियल्स लैंड की क्वालिटी का सर्वे करेंगे और उसके आधार पर रेवेन्यू फिक्स करेंगे।
तो अब रिवेन्यू फिक्स किया जाएगा जमीन की क्वालिटी के आधार पर, सॉयल की क्वालिटी के आधार पर, न कि जो बढ़ चढ़कर बोली लगा दे रहा है। इसके थ्रू आपने रिवेन्यू के अमाउंट को फिक्स किया कि इतना रिवेन्यू तो आना ही चाहिए, इतना रिवेन्यू तो आना ही चाहिए। तो अब आपको क्या मिलेगा? स्टेबल रिवेन्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेबल रिवेन्यू मिलेगा। जमींदारों की जो पुलिस पावर है, जो जुडिशियल पावर है, वो आपने समाप्त कर दिया और आपने उन्हें समझाया कि पूरा ध्यान एक चीज पर लगाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पूरा ध्यान इस पर लगाओ। तो कंपनी ने अपने ऑफिशियल भेजकर जमीनों की क्वालिटी के आधार पर रेवेन्यू को फिक्स कर दिया और अब साल दर साल आपको इतना रेवेन्यू लाकर देना ही देना है। तो पहला तो रेवेन्यू फिक्स कर दिया, दूसरा उस रेवेन्यू में जमींदार का शेयर क्या है वो आपने फिक्स कर दिया। तो आपने बोला कि जितना पैसा भी तुम लाओगे 11% होगा जमींदार का, 89% होगा किसका? ब्रिटिशर्स का। तो ये एक परमानेंट सेटलमेंट है, ये एक परमानेंट सेटलमेंट है और इसी को आप सनसेट क्लॉज भी बोल रहे हैं। तो बोले कि देखिए एग्रीकल्चरल लैंड ऑनरशिप राइट्स फॉर गिवन टू जमींदार्स, और ये जो ऑनरशिप राइट्स हैं ये वंशानुगत हैं, हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मतलब आपकी डेथ के बाद आपका बेटा जमींदार बन जाएगा, ये हेरिडिटरी है। बट जो दिन फिक्स किया गया है उस दिन शाम तक, सनसेट होने तक अगर आप पैसा लाकर नहीं दे पाए, जमींदारी गयो, यू आर नो लॉन्गर जमींदार, किसी और को जमींदार बना दिया जाएगा। तो ऑनरशिप राइट्स आपके पास हैं, हेरिडिटरी राइट्स हैं, बट यदि उस पर्टिकुलर डे को शाम तक आप रिवेन्यू लाकर नहीं दे पाए, आपकी जमींदारी समाप्त। यही है सनसेट क्लॉज। ये बात समझ पा रहे हैं? तो परमानेंट सेटलमेंट क्या है दोस्तों, समझ पा रहे हैं दोस्तों? जल्दी से एक बार बता दो। टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन। तो मिनी सिंह सनसेट क्लॉज क्यों बोलते हैं मैंने बताया, समझ पाई या नहीं? यहां तक दोस्तों क्लियर है? यस और नो? व्हाई इट इज नोन एज सनसेट क्लॉज, ये बात समझ पाए कि जिस दिन आपको रिवेन्यू देना है, डे फिक्स है, उस दिन शाम तक अगर जमींदार वो रिवेन्यू पे नहीं कर पाएगा तो जमींदारी से उसे क्या किया जाएगा? बेदखल किया जाएगा। देन यार एक इंपॉर्टेंट इवेंट इनके टाइम पर हो रहा है, लोअर कोर्ट एंड अपीलेट कोर्ट की स्थापना हो रही है। तो लोअर कोर्ट दीवानी मामलों में और लोअर कोर्ट एंड अपीलेट कोर्ट क्रिमिनल मामलों में, इसकी स्थापना हो रही है। सबसे लोअर लेवल पर मुंसिप कोर्ट होते थे जो 50 रुपए या उसके कम तक के मुद्दों को क्या करते थे, देखते थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट होते थे, प्रोविंशियल लेवल पर कोर्ट होते थे और टॉप लेवल पर सदर दीवानी कोर्ट होती थी। इसी तरह से सदर क्रिमिनल कोर्ट होती थी जिसे निजामत कोर्ट बोला जाता था, प्रोविंशियल क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट और तालुका लेवल पर कोर्ट होती थी। देखिए कोर्ट का स्ट्रक्चर है, जुडिशियल फंक्शन जमींदार से ले लिया गया है। तो ये इस तरह की लोअर और एपलेट कोर्ट कॉर्नवालिस के टाइम पर क्या की गई थी, लाई गई थी, ये आपको नहीं भूलना डियर फ्रेंड। पर ये उसका स्ट्रक्चर है, ये दीवानी मामलों के लिए और ये क्रिमिनल मामलों के लिए। आई होप कि ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है किसके टाइम पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। पहली बार डियर फ्रेंड इनके टाइम पर सिविल सर्विसेज की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। अब कंपनी में जो ऑफिशियल्स होंगे ये एक एग्जामिनेशन के द्वारा क्या किए जाएंगे, ये एडमिट किए जाएंगे। तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत हो रही है किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये इनकी योजना का क्या है, हिस्सा है। आगे जाकर हम इसमें बहुत सारे चेंजेस डिस्कस करेंगे कि एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, क्या होगा, इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये सब बाद में क्या होगा। बट पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है कि इनके टाइम पर कंपनी में लोअर ग्रेड में सिविल सर्विसेज की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। और जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। दीज आर इंपॉर्टेंट इवेंट। बट कॉर्नवालिस को जो सबसे ज्यादा जाना जाता है वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। कॉर्नवालिस को जो सबसे ज्यादा जाना जाता है दोस्तों थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के लिए, और ये संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो रही है। ये तीन इंपॉर्टेंट इवेंट हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आप लोग को नहीं भूलना है। यहां तक समझ पा रहे हैं या नहीं? टिल हियर यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? ऑल राइट डियर फ्रेंड, अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, परमानेंट सेटलमेंट की हमने बात की, हमने बात की लोअर और अपेलेट कोर्ट के बारे में, जोनाथन डंकन के बारे में हमने आपके साथ बात की और थर्ड एंग्लो मैसूर के बारे में बात की। ये जो नए गवर्नर जनरल हैं, देखिए इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड परमानेंट सेटलमेंट।
ऐसा बोला जाता है कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वॉज फाइनेंशियल एडवाइजर टू हूम लॉर्ड कॉर्नवालिस. सो लॉर्ड कॉर्नवालिस के फाइनेंशियल एडवाइजर थे कौन? सर जॉन शो. बट गवर्नर जनरल के रूप में बहुत ज़्यादा इनका टाइम जो रहा उसमें बहुत सारे इवेंट नहीं हो रहे हैं. ये गवर्नर जनरल शांति प्रिय एंड इनके टाइम पर क्या हो रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लाया जा रहा है जिसके थ्रू जो भारत में व्यापार करने की ट्रेड मोनोपोली है 20 और साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जा रही है. तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के हर 20 साल बाद ऐसे फ्रेश चार्टर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इशू किए जाएंगे और इस चार्टर के द्वारा, इस ऑर्डर के द्वारा ट्रेड जो मोनोपोली है, जो व्यापारिक एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का, 20 और सालों के लिए क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है. ये बात आपको नहीं भूलना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नहीं भूलनी है कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो गवर्निंग काउंसिल थी, जिसमें 4 मेंबर होते थे पहले, गवर्नर जनरल को बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर 3 मेंबर कर दिया गया था. अब उनमें से एक का सपोर्ट मिल जाता तो भी गवर्नर जनरल का काम हो जाता. अब ये बोला जा रहा है कि यदि उसमें से एक का भी सपोर्ट नहीं मिलता तो भी कुछ स्पेशल कंडीशन में गवर्नर जनरल के जो डिसीजन होंगे वो मान्य होंगे, भले ही वो 3 जो मेंबर है गवर्निंग काउंसिल के वो डिसएग्री कर रहे हों. तो गवर्नर जनरल की पावर को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है. डिटेल में कब डिस्कस करेंगे, जब ये एक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा. ये एक्ट गवर्नर जनरल के बाद अगली जो क्लास होगी वो एक्ट पर होगी. इन सारे एक्ट को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो बट जब वहां पर रिपीट हो रहा होगा तो आपको याद हो जाएगा. यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट है, ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, और गवर्नर जनरल की शक्तियों में और ज्यादा क्या की जा रही है, बढ़ोतरी की जा रही है. ये बात समझ पा रहे हैं? देखो यार, सारे गवर्नर जनरल याद करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये एक हमेशा सवाल रहता है कि क्या सारे गवर्नर जनरल याद करने हैं. देखो यार, सारे गवर्नर जनरल शायद आप याद नहीं कर पाओगे, बट यस, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं या जिनके दौर में कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उन्हें तो नहीं ही भूलना है. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों या नहीं? ऐसे ही एक गवर्नर जनरल जिनके बारे में अब ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड की गई 20 साल के लिए, ये आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यार, इनके बारे में काफ़ी बात करेंगे, इनके बारे में बहुत बात करेंगे. सो वन ऑफ द मास्टर इंपीरियलिस्ट लॉर्ड वेलेस्ले. और लॉर्ड वेलेस्ले के बारे में ऐसा बोला जाता है कि किसी एक गवर्नर जनरल ने जिसने ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को सबसे ज़्यादा फैलाया, बिना कोई युद्ध लड़े हुए, बिना कोई ब्लडशेड के, बिना कोई बहुत सारा नुकसान के, दैट पर्सन वॉज लॉर्ड वेलेस्ले. युद्ध हुए इनके टाइम पर, बट बिना युद्ध लड़े जितना इन्होंने साम्राज्य को फैलाया उतना युद्ध लड़कर भी नहीं फैलाया. इन्होंने एक ऐसी नीति लाई जिसका कोई जवाब नहीं था इंडियन रूलर्स के बाद. इनका ये कहना है, जब माइटी मुगल्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मराठास का हाल आप लोग देख रहे हैं, बंगाल के नवाब अपनी टेरिटरी देकर जा चुके हैं, अवध का कोई पता नहीं है, मैसूर हमने कब्जा कर ही लिया है, बाकी लोग चुपचाप क्या करो, सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर लो. तो ये एक मास्टर इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं इंपीरियलिज्म का. सो वन मास्टर इंपीरियलिस्ट जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं जिसका देसी राजाओं के पास, हमारे जो राजा हैं उनके पास कोई जवाब ही नहीं है. ये एक फ्रेंडली ट्रीटी ऑफर कर रहे हैं और इस ट्रीटी के बहुत सारे स्वरूप हैं, शायद ये आपको नहीं पता होगा, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो लॉर्ड वेलेस्ले इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन 1798. और ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है डियर फ्रेंड, इसमें हो क्या रहा है, जो इंडियन रूलर्स हैं उन्हें सब्सिडी देनी है फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर ब्रिटिश आर्मी फॉर देयर प्रोटेक्शन. सो देसी रियासतों के जो राजा हैं, हमारे जो रूलर्स हैं, छोटे बड़े मझोले जो भी राजा हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए विदेशी सेना ले रहे हैं और उस विदेशी सेना के मेंटेनेंस के लिए पैसे दे रहे हैं किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को. इसके अलग अलग क्या हैं, स्वरूप हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, पहला ये है कि आपको मिल रही क्या ब्रिटिश आर्मी आपकी प्रोटेक्शन के लिए, बदले में क्या है, देखिए इन रिटर्न ईस्ट इंडिया कंपनी वादा कर रही है कि आपको किसी भी बाह्य आक्रमण से क्या करेगी, रक्षा करेगी आपकी, बाह्य आक्रमण से आपकी रक्षा करेगी. ये बड़ा ही सिंपल लग रहा है कि आपको ब्रिटिश सेना मिल रही है और ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए आपको या तो पैसे देने हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को,
या अपनी टेरिटरी का एक भाग देना है जिससे आने वाला रिवेन्यू उस सेना के मेंटेनेंस में खर्च होगा और बदले में सेना आपकी क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। बड़ा ही सिंपल लग रहा है, बट इसमें बहुत और भी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलग अलग क्या हैं, टाइप हैं। टाइप वन में क्या है समझने की कोशिश करेगा। टाइप वन में क्या है, इंडियन रूलर्स पैसे दे रहे हैं किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और आर्मी ले रहे हैं किस पर, रेंट पर। ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं हमारे सोल्जर्स ले आओ, रघुनाथ राव को उन्होंने क्या बोला था, 2500 सिपाही हमारे ले जाओ, और किसको हराना है, जाओ ये लोग हरा देंगे। ये ट्रेंड आर्मी है, और अपने विवादों को सुलझाने के लिए आप यूरोपियन सेना रेंट पर ले रहे हैं और अपने विवादों को सुलझा रहे हैं, बदले में कंपनी को पैसा दे रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हो दोस्तों या नहीं? यहां तक समझ पा रहे हो दोस्तों? डील हियर, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये पहला टाइप है जिसमें आप ब्रिटिश आर्मी ऑन रेंट पर ले रहे हैं और अंग्रेजों को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। दूसरा टाइप क्या है, इंडियन रूलर्स दे आर पेइंग मनी टू होम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और बदले में कंपनी बोल रही कि कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो, कभी भी कोई अटैक होगा हम हैं आपके लिए। तो आप कंपनी के प्रोटेक्टरेट बन जा रहे हैं, कंपनी को आप पैसे दे रहे हैं, कंपनी बोली कि हमारी सेना तैयार है, खा पी के एकदम ट्रेंड है, वो लोग तैयार हैं, कोई भी युद्ध की स्थिति में आपकी रक्षा करेंगे, ठीक बात है। तीसरे में क्या हो रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी टेरिटरी में तैनात की जाएगी और पैसा लिया जाएगा किससे, रूलर से। अंग्रेजी सेना ही आपकी टेरिटरी में रहेगी, आपकी टेरिटरी में अंग्रेजी सेना रहेगी, आप अपनी सेना को धीरे धीरे क्या करो, खत्म कर दो, और बदले में आपको पैसा देना है किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। चौथा जो टाइप है दोस्तों, उसमें क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी आपके यहां राज्य में रखेगी और आपके राज्य क्षेत्र का एक हिस्सा ले लेगी, उससे जो पैसा आएगा उसी से उस सेना को मेंटेन किया जाएगा। तो ऐसे चार वेरिएशंस हैं, दीज आर द फोर वेरिएशंस ऑफ व्हाट, सब्सिडी अलायंस सिस्टम। आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, यस और नो? देखिए यहां तक चीजें बहुत सिंपल लग रही है, यहां तक चीजें बहुत सिंपल लग रही हैं, बट इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं, रूल्स ये हैं दोस्तों कि आप धीरे धीरे अपनी सेना को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे, यू विल स्लोली डिसॉल्व योर ओर आर्मी। दूसरा, आपके जो फॉरेन रिलेशन होंगे, बोलेंगे यार देखो अटैक तो तुम पे कभी भी हो जाएगा, अब कौन तुम्हारा दोस्त होगा कौन तुम्हारा दोस्त नहीं होगा हम डिसाइड करेंगे। अटैक वगैरह इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम लोग डिप्लोमेसी में कच्चे हो, ये जो डिप्लोमेसी वाला पार्ट है, फॉरेन अफेयर्स वाला पार्ट है, ये आप हमें दे दीजिए। क्या पता युद्ध लड़ने की नौबत ही ना आए, सेना आराम से रहे, आराम से सब खा पी के मस्त है, तो लड़ने की मोहब्बत, फॉरेन रिलेशन आप हमें दे दीजिए, और किसी और यूरोपियन को, फ्रेंच को, डच को, पुर्तगीज को, दानिश वाले तो बेचारे ऐसे ही चले गए, मतलब किसी को भी अपने दरबार में आपको जगह नहीं देनी है। अगर ऑफिशियल चाहिए हमसे ले जाइए, सेना चाहिए हमसे ले जाइए, बट किसी और यूरोपियन शक्ति को अपने दरबार में आपको जगह नहीं देनी है। देखिए ये कंडीशंस हैं, ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं? दीज थिंग्स यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, एक बार जल्दी से यहां बता दो। यहां तक चाहिए समझ पा रहे हैं दोस्तों, हाँ या नहीं? तो सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस बाई होम, लॉर्ड वेलेस्ले। और देखिए ये एक मास्टर स्ट्रोक रहा, ये एक मास्टर स्ट्रोक रहा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, एक के बाद एक, डियर फ्रेंड, एक के बाद एक लोगों ने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को क्या किया, साइन किया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, आपको याद होगा, थ्रू फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वेलेस्ले लेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इन विच Tipu was defeated and because of a bullet wound, Tipu died, dear friend. और वडेयर डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उन्हें फिर से शासन पर बैठाया गया, सब्सिडरी अलायंस पर उन्होंने क्या किया, साइन किया। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ पहले ही क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपके साथ लॉर्ड वेलेस्ले के साथ तक बात की, 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट।
जो आपको याद रखना है और आपको नहीं भूलना है। तो ये आज की क्लास में यही तक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के जो गवर्नर जनरल्स हैं इनके बारे में आपके साथ क्या करेंगे, बात करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी दोस्तों। अभी दूसरी क्लास है, उसे मैं नहीं चाहता कि लेट हो, तो कल फिर से हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे। इस गवर्नर जनरल की हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या नहीं आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये क्लासेस समझ में आ रही है दोस्तों तो आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, जहाँ पर देखिए दो मेजर तरह के सब्सक्रिप्शन है आपको, प्लस आइकॉनिक, दोनों में आपको मल्टीपल एडवांटेज मिलते हैं और पूरी प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूल के साथ तैयारी कराई जाती है। अगर इस कोड को आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जिससे आप अवेल कर सकते हैं प्लस में भी और आइकॉनिक में भी। यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है दोस्तों, डोंट हेजिटेट, अनअकैडमी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर ईजी लोन फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, जहाँ पर 0% इंटरेस्ट लोन पर आपको लोन फैसिलिटी मिल रही है और अपने सपनों को आप दिशा दे सकते हैं। नए बैचेस 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, अमेजिंग बैच कोर्सेज है 2022, 23 और 24 की तैयारी के लिए। डोंट मिस दीज बैच कोर्सेज एंड गिव एन एज टू योर प्रिपरेशन डियर फ्रेंड। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी। क्लास कैसे लगी जरूर मुझसे शेयर करिएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड।